वेलकम सर। सर आज 52 दिन हो गए मीडिया के वाले से आपने कहा था बात करेंगे, इससे पहले आज ये खबरें आ रही हैं कि शायद बड़े नवाज साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, तस्वीर भी किया इस हवाले से। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, जो नैब की और एजेंसियों की जो इस वक्त बातें जो हो रही हैं आप सब जानते हैं। नैब पिछले 3 साल से क्या कर रही है और एजेंसियां क्या कर रही हैं वो भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको फिर उसी से अंदाज़ा कर देना चाहिए कि इन हालात में वो एक कैंप का काम किया भड़क रही हो उसमें क्या कर रही है। कराची का जो बात मामला हुआ है, सिंध में जो सदर साहब के साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं और इसमें अपना जो तकद्दस है चादर और चार दीवारी का वो पामाल हुआ है, वो क्या सब क्या एक गुस्सा और इंतकाम इस बात की सच बोला जा रहा है। हम सच बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चलने दो भाई, ये पाकिस्तान जो है वो बहुत सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँच रहा है इन पॉलिसीज से, स्टेट अब द स्टेट के हवाले से मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसका कल अमलन सबूत दिया गया कराची में परसों, तो उस पर क्या कहेंगे। वो एक ऐसा है ये एस्टेब्लिश हो गया है कि वाकई स्टेट विद इन द स्टेट है मुल्क के अंदर। बाकी अपना देखें वो जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया पश्चिम की पुलिस ने, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं वो जिम्मेदार लोग हैं। आईजी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमी है कि 21 या 22 ग्रेड का वो बंदा होता है, तो कोई गैर जिम्मेदार लोग तो नहीं है, वो पाकिस्तान के मौजूदा लोग हैं। और उन्होंने एहतजाज किया प्रोटेस्ट किया इस पर, उनका जायज़ हक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये उनके जायज़ हक पे एक जो है वो ताकत इस्तेमाल की गई, उसको उन्होंने कोई एक्सरसाइज ना कर सकते। ये सब आर्मी चीफ से मुतालबा किया गया तहकीकात का, भी इस पे आवाज नहीं उठाएगा। मैं तो उसकी पाकिस्तानियत पे भी मेरे साहब आर्मी चीफ से मुतालबा किया गया तहकीकात का, क्या उस पे कुछ कहेंगे। उसको 52 दिन हो गए बंद किया हुआ है, इसकी थोड़ी मजम्मत कर मीडिया के चैनल्स के साथ है जिनको ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है, लेकिन अब इसके मुकाबले में वो उन चैनल्स को भी देखें ना, उन चैनल्स को भी देखें आप, देखो जो सब कुछ कहते चले जा रहे हैं और उनको कोई कुछ ख्याल नहीं है। मियां साहब जो इंतकाम की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर कहते हैं मुंह पे हाथ फेर के कि मियां नवाज शरीफ तुम वापस आओ मैं तुम्हें देखता हूँ, और जो लेकिन ये अदलिया अभी क्या देख रही है कि ये जो डायरेक्ट थ्रेट्स हैं वो चाहे वज़रा की तरफ से आती हैं, चाहे वज़ीर आज़म हाईएस्ट फोरम में वहाँ से आती हैं, तो और ये भी ब्रिगेडियर इजाज़ शाह की तरफ से भी किया गया कि आपके लोगों को खतरा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस वक्त हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है वो उनको उनका नोटिस लेना चाहिए, और नोटिस लेने के काबिल ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इस पे सुबह मोटर नोटिस भी लिया जाए तो वो भी मैं समझता हूँ। आप मियां साहब जिन लोगों पर इल्जाम है बिलावल ने उन्हीं से मुतालबा किया है तहकीकात का, तो आपके खिलाफ पाबंदी लगाई गई है जो मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा था इसी तरह लगाई गई थी, उस पर कोई आप क्या कहना चाहेंगे। उसका नतीजा आपने देख लिया था पाबंदी का, अल्लाह ताला ने मुझे और पाकिस्तान की आवाम ने तीसरी दफा वज़ीर आज़म बना दिया।